स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा भजन, क्लासिकल भजन आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। राग शिवंजनी पर आधारित है। इस भजन की काफ़ी समय से आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी, कमेंट पे कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं कि इस भजन पर, इस गीत पर वीडियो बनाया जाए। तो आज फाइनली इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, राग शिवरंजनी में दर्द है, तो उसी राग की इस भजन में आपको छाया दिखाई देगी। और विरह है इस भजन में, विरह का गीत है, प्रेम का गीत है, समर्पण का गीत है। तो इस गीत में वो सारा इफेक्ट आपको दिखाई देगा जो राग शिवरंजनी की विशेषता लिए हुए हैं। तो इस भजन के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि जो इसमें स्वर संगतियाँ प्रयोग हुई है वो बहुत ही गजब की है। कई सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसको गाया है और कुछ लोगों ने बिल्कुल सिंपल भी गाया है। तो आज मैं इसको क्लासिकल अंदाज में आपको बताऊंगा कि आलाप के रूप में आप क्या क्या और किया जा सकता है, क्या क्या आप कर सकते हैं। इस गीत का जो चलन है मैक्सिमम तार सप्तक पर ही है, तो आपकी जो गले की रेंज है वो कम से कम गंधार तक, शुद्ध गंधार तक तो होना ही चाहिए। और यदि पंचम भी आपका लगता है तार सप्तक में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो आपको आलाप देने वाला हूँ वो तार सप्तक के पंचम तक देने वाला हूँ। तार सप्तक के पंचम का जो गंधार है, शुद्ध गंधार, कोमल गंधार, इसके साथ कैसे स्वर संगतियाँ आप बिठा सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सभी आपको लिखित में मिलने वाला है, आलाप भी और दोहा भी बताऊँगा, दोहे को कैसे गा सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि राग शिवरंजनी पर आधारित जितने भी भजन हैं उसमें भी आप इन दोहों को शामिल कर सकते हैं। तो दोहा भी बताऊंगा, दो दोहे बताऊंगा मैं, और उसके बाद स्थाई अंतरा, इसकी भी हम लोग नोटेशन देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और जानकारी, आप मेरा एक चैनल और है ईश्वरीय संगीत, अभी नया नया चैनल है, एक डेढ़ महीने पहले ही उस चैनल को मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी डिमांड आ रही थी कि जो मैं भजन गाता हूँ उन भजनों को भी इस चैनल पर अपलोड किया जाए। लेकिन ये जो चैनल है ये भजन या क्लासिकल संगीत, सेमी क्लासिकल, इस सिखाने के लिए मैंने बनाया। इसमें मैं मेरे द्वारा गाए गए भजनों को, प्रोग्राम के गीतों को मैं अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक लर्निंग ट्यूटोरियल, इस पर आते हैं सीखने के लिए, आपको मैं लेसन देता हूँ, ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो इसमें वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए एक चैनल मैंने और बनाया है जिसमें आप मेरे द्वारा गाए गए भजनों को सुन सकते हैं और संगीत के साथ डूब सकते हैं। तो जो भी भजन मैंने आपको सिखाए, ये सभी भजन आपको क्लासिकल, सेमी क्लासिकल या फिल्मी गीत, गज़ल, जो भी, ये सारे आपको वन बाय वन उस चैनल पर सुनने को मिलेंगे। और जो भी मैं प्रोग्राम करता हूँ उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी आपको उस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी और आप लोग सुन सकते हैं और मेरे संगीत के साथ डूब सकते हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई भजन उस पर अपलोड होता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल का नाम है ईश्वरीय संगीत। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, हज़ारों की संख्या में हमारी फैमिली हो गई है, सोलफुल संगीत फैमिली। उस चैनल को भी आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए, तो उम्मीद है आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे। अभी कुछ ही वीडियो उसमें डले हैं, वन बाय वन आगे और भी वीडियो आएंगे और उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, राग शिवरंजनी 5 स्वरों का राग है। इसमें मध्यम निषाद दोनों वर्जित होता है और शुद्ध गंधार भी वर्जित होता है, बट कहीं कहीं, खासकर भजनों में, गजलों में, विवादी के रूप में ये स्वर प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन प्योर क्लासिकल की बात करें तो वहाँ पर टोटली लगभग वर्जित स्वर होते हैं, माने गए हैं। इस भजन में भी ये सारे स्वर वर्जित हैं, लेकिन विवादी के रूप में इन सभी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरोह देखते हैं, उसके बाद में आलाप देखेंगे। तो राग शिवरंजनी पर ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वहाँ से डिटेल में आप जान सकते हैं। मैं फिलहाल आपको सिंपल आरोह बता रहा हूँ और आलाप बता रहा हूँ, आइए देखते हैं। स्केल मेरी सी है, सा लेना है।
टुकड़ों में बता रहा हूँ आपको, धीरे से देखिएगा पहले। आ सेकेंड टुकड़ा है। धसरेगा, फिर से देखिए, धसरेगा। तो ये शुद्ध गंधार और कोमल गंधार का कैसे प्रयोग करना है वो आपको समझना है ध्यान से। धसरेगा आकार में तीसरा टुकड़ा फ्लो में देखते हैं आपको। तो ये अलाप आप ले सकते हैं, लिखित में आपको दे दिया। उसके बाद दोहा लेना, ये दोहा शुरू करते हैं। प्रेम किया देखिएगा फ्लो में। प्रेम किया था मेरा ने विष पी के दिखला डाला, प्रेम किया हनुमान ने सीना चीर दिखा, ये शुरू करना है। काय तेरी अखियों में पानी सा सा द सा रे ग रे ग पा ग ग काय तेरी अखियों में के इस तरीके से आपको गाना है। चाहे तो आप पंचम का प्रयोग भी कर सकते हैं। काय तेरी अखियों में पानी, काय तेरी अखियों में पानी कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, धप गरे सारे गरे धप गरे।
ऐसा दीवानी 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 ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा श्याम दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी गर साध सर गर साध सर गर सा। तो ये नोटेशन है ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा श्याम दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। ठीक है, ये इसका स्थाई हो गया। आइए अंतरा देखते हैं, अंतरा लेना आपको पास है। हंस के तू पीले पद साधा पा हंस के तू पीले विष का प्याला हंस के तू पीले पद साधा पा पद साधा पा हंस के तू पीले विष का प्याला हंस के तू पीले विष का प्याला तोहे धपमा तोहे धपमा तोहे क्या डर तोरे संग गोपाला। देखिए इसमें मध्यम का प्रयोग भी हुआ है और निषाद का प्रयोग भी हुआ है जो वर्जित है, लेकिन विवादी के रूप में कर सकते हैं। भजनों में गजलों में लगभग वो सारे स्वर लगते हैं जो वर्जित स्वर होते हैं क्लासिकल में, विवादी के रूप में कर सकते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। इसमें हुआ है देखिए तो है खबर क्या तो है क्या डर तोरे संग गोपाला दा पा मा मा धा धनी सा सानी दा पा दा पा दा पा तो है क्या डर तोरे दा पा मा मा धनी रे सा। तो रेसा का भी प्रयोग कर सकते, रे का भी मैंने सातक का आपको लिख के दिया है। तो है क्या डर तोरे संग सानिधा संग गोपाला पाधा पमा पाधा पा गोपाला पाधा पमा पाधा पा। ये नोटेशन है। तो है क्या डर तोरे संग गोपाला तो है क्या डर तोरे संग गोपाला। सो में देखिए अंतरा हंस के तू पीले विष का प्याला तो है क्या डर तोरे संग गोपाला तो है क्या डर तोरे संग गोपाला। आगे तेरे तन की ना शुरू में दिए काहे तेरे क्यों में पानी उसी की नोटेशन है कि शब्द चेंज है, इसलिए इसकी नोटेशन नहीं दी आपको। तेरे तन की ना होगी हानी ये भी ले सकते हैं, तार सप्तक का पंचम भी टच कर सकते हैं, या फिर तेरे तन की ना होगी हानी तेरे तन की ना होगी हानी तरीके से आप इस गीत को गा सकते हैं। आगे के जितने अंतर हैं सेम लोकेशन पर हैं। आइए एक अंतर और फोन में समझ लेते हैं। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे
जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को रिझाऊं, सिर्फ राधा नहीं है मेरी। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी, है कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, कैसे आप इस गीत को गा सकते हैं। बहुत प्यारा गीत है, बहुत जबरदस्त गीत है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और केरवा ताल में आप इसको गा सकते हैं, टेम्पो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।